बीजेपी नहीं छोड़ोगे तो मार दिए जाओगे। यूपी के शाहजहांपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। सूबे में योगी सरकार है, इसके बावजूद दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मामला शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के मोहल्ला लोधीपुर का है, जहां रहने वाले अनीस खां की बेटी रुकैया बेगम बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष हैं। रुपया का पूरा परिवार बीजेपी का सदस्य है। इसी बात को लेकर मोहल्ले के ही कुछ दबंग लोग उनकी बेटी पर जानलेवा हमला भी कर चुके, जिसकी रिपोर्ट तो दर्ज हो गई लेकिन अब तक कार्यवाही नहीं हुई, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। क्या नाम आपका? क्या घटना हुआ? हमारा नाम अनीस है, मैं लोधीपुर में रहता हूँ, थाना रोजा, जिला शाहजहांपुर। मेरी बेटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष है और हम पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो लोधीपुर के कुछ भूमाफिया और गुंडे बदमाश जो सपा से जुड़े हुए हैं, वो अपनी दबंगई के कारण मेरी बेटी को व मुझको धमकी देते हैं कि बीजेपी छोड़ दो और अगर सरकार सपा की आ गई तो कोई भी बीजेपी का लोधीपुर में नहीं दिखाई देगा, उसको नहीं रहने देंगे। इसी बात को लेकर 16/10/21 को जाहिद और जाहिद के साले उवैस उर्फ शब्बू और उसके और भाई भतीजे थे, लड़के थे जाहिद के, सिकंदर थे, खुशान थे, गदान थे, सैफ थे, आदिल थे, इन लोगों ने मेरी बेटी को और मेरे बेटे को रोड पर गिरा के मारा और जाहिद डिवाइडर पे खड़े होके अश्लील हरकतें कर रहा कि इसकी वीडियो बना ले, ये काट ले, और मेरी बेटी को घर में घसीटे लिए जा रहे थे कि इसको ले चलो, इसको नंगा करके वीडियो बनाएंगे। मेरा बेटा जो फैसल खां एडवोकेट है उसको मारते मारते बेहोश कर दिया था, मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए थे, बेहोशी हालत में थाना रौदा ले गए हम। वहाँ 16/10/21 को मुकदमा इन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ, 307 में 354 और 147, 48, 323, 504, 506 और 354 खा भी लगी इनके ऊपर। उसके बाद इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने उसको जो है जैसे साठ गार्ड करके वो उसको कोई कार्रवाई होने से रोक रखा।